हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन हमने लिया है इसमें बोला है 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलिए। यहाँ पे मैं आपको पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो डिग्री है उसको इस तरीके से हम एक सर्कल से डिनोट करते हैं। तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मिनट को एक डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसा लिखा है मतलब 60 मिनट लिखा है, और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो सेकेंड को दो डंडे से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भी नंबर के ऊपर, अगर आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन बोल सकते हैं इसको, ये लगा हुआ है तो फिर आप बोलेंगे कि ये क्या है, सेकेंड। और अगर एक डंडा लगा हुआ है तो वो क्या है, मिनट। तो अब आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये बोल रहा है 11 डिग्री 15 मिनट, तो प्लस करके 15 मिनट को हम आवर्स में चेंज कर लेते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी हम इनको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 15/60 कर दिया तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, डिग्री का साइन आ जाएगा। तो 11 डिग्री प्लस 15/60 कर दिया तो ये हो गया 11, प्लस ये कैंसिल हो गया तो 1/4, ये हो गया 44 प्लस 1 45/4 डिग्री। तो ये पूरी वैल्यू 11 डिग्री 15 मिनट डिग्री में 45/4 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है। अब इसमें बोला है कि इसे रेडियन में चेंज करना है, और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि जब भी आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन करना होता है तो आप पाई बाय 180 से उस डिग्री वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बदल जाता है रेडियन में। और रेडियन का जो साइन होता है वो होता है ये सी, ये याद रखिएगा। अब इसे कैंसिल कर दीजिए जो कैंसिल हो रहा है, तो 45 से मैं डायरेक्ट कैंसिल करता हूँ, आप चाहे तो 9 से कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 45 इंटू 2 90, और 90 इंटू 2 180, मतलब 45 से 4 टाइम्स डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा पाई बाय 16, पाई बाय 16। और अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया है तो या तो आप ये साइन लगा दीजिए तो ये हो गया पाई बाय 16 रेडियन और आंसर दे दीजिए, या फिर आप इसे ही पाई बाय 16 और आर ए डी रेड लिख सकते हैं। इस तरीके से भी रेडियन को डिफाइन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आगे आपके टेक्स्ट बुक में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, और हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए। आप यूट्यूब पे भी GS Academy उज्जैन सर्च करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ भी आपको मैथ फाउंडेशन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और 99 रुपीज़ में हमने एक हमारा ऐप है एंड्रॉयड पे, तो आप प्ले स्टोर में जाके GS Academy उज्जैन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से भी 99 रुपीज़ का एक बेसिक मैथ मास्टर कोर्स आप परचेस करके पढ़ना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।